तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, तपस्वी रत्न श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। तीर्थंकर आदि अरिहंत ऋषभदेव भगवान के प्रति जो स्तोत्र पाठ है,
जो भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से आप लोग संपन्न कर रहे हैं, इस अद्भुत प्रभावशाली स्तोत्र में कितनी शक्ति है, कितने उसके अंदर सिद्धियां हैं, कितने यंत्र मंत्र तंत्र इसके अंतर्गत गुंफित हैं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत स्तोत्र है। और इस स्तोत्र के ऊपर इतना रिसर्च भी हुआ है, कितने इसके प्रयोग हुए हैं, कितने इसके यंत्र बने हैं, तंत्र बने हैं और मंत्र बने हैं, ये अपने आप में तमाम सिद्धियों का एक निदान है, सिद्धियों का खान है। और उसी श्रृंखला में आज आप सभी सज्जन 26वें श्लोक का संपुट संपन्न करने जा रहे हैं। ये 26वां जो श्लोक है, ये जितने भी 48 श्लोक इस जो है भक्तांबर स्तोत्र में है, उसमें सबसे ज्यादा सरल, सुंदर और बच्चे से बड़े तक कुछ ही क्षणों के अंदर याद करें और कुछ ही क्षणों के अंदर याद करके बोल सकें, ऐसा अपने आप में बहुत ही सुंदर सरल श्लोक मंत्र के रूप में है। 4 बार लगातार इसमें भगवान आदिनाथ के गुणों का स्मरण किया गया है, और जितना सरल है वो उतना ही प्रभावशाली भी है। कितनी भी वेदना हो, कितनी भी तकलीफ हो, कैसी भी भयंकर वेदना से न गुजर रहे हों, और श्लोक तो भले ही याद न रहें, लेकिन अगर इसका अभ्यास करें तो जैसे नमकार मंत्र हमारा अभ्यास हो जाता है, ऐसे इस श्लोक का भी बहुत सुंदर अभ्यास हो सकता है, क्योंकि बहुत सरल है। उनके गुणों का वर्णन बड़ी सरल भाषा के अंदर की गई है, तो इसका जाप करते हैं, इसका पाठ करते हैं, इसकी आदत बनाते हैं, कोई भी काम प्रारंभ करने से पहले इसको अगर बोलते हैं, काम संपन्न होने के बाद इसको अगर हम बोलते हैं, कभी कभी सफर करते हुए, चलते हुए, कहीं जाते आते हुए, सुबह वॉकिंग करते हुए, योगासन करते हुए अगर इस श्लोक का स्मरण करते रहें, तो बहुत बड़ी बड़ी विपदाएं, परेशानियां, तकलीफें उसके अंदर सहनशीलता पैदा होती है। और कभी भी इतना भयंकर कोई बात बन जाए, कुछ भी याद न रहे, तब भी अगर ये श्लोक याद रहता है, इसका उच्चारण करते हैं, तो विपदा से विपदा, दर्द से दर्द, भयंकर शारीरिक दर्द उसके अंदर भी मनुष्य को राहत मिल सकता है। या किसी दूसरे छोटे से छोटे बच्चे भी इसको याद करके इसको सुबह शाम कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इतना सरल है, ये छोटे छोटे बच्चों को भी याद करवा देना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत के श्लोक हैं तो हर कोई थोड़ा याद नहीं कर पाता, उसको कंठस्थ नहीं पर गाता, लेकिन इसको आप लोग बोलते रहेंगे, आराम से बोलते रहेंगे, तो सुन सुन करके छोटे से छोटे बच्चे भी इसको याद कर सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ें याद रह जाएं, कभी भी तकलीफ में इनका उच्चारण हो, इन श्लोकों के माध्यम से अगर भगवान का शरणा लिया जाए, तो उसमें बड़ी शांति मिलती है, बड़ी सहनशीलता उपस्थित हो जाती है, हमें हर कष्ट को सहन करने की शक्ति पैदा हो जाती है। ये शक्ति का मिलना ये सबसे बड़ी बात रहती है। कोई दर्द वेदना बड़ी नहीं होती, लेकिन उस वेदना को स्वीकार करके सहज रूप से सहन करने की जो ताकत पैदा होना है, ये सबसे बड़ी बात रहती है। इसलिए 26वां श्लोक अपने आप में बहुत ही उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही सरल भाषा के अंदर है, और हर कोई परिवार का इसका उच्चारण कर सकता है। आप लोग घर में इधर उधर घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं,
उस समय भी इसका उच्चारण कर सकते हैं और सुन सुन करके और लोग अपने घर के अंदर काम करने वाले लोग उनको भी शांति मिलती है, उनको भी याद हो जाता है। तो ऐसा हर समय हर स्थान के अंदर जिसका उच्चारण किया जा सके और हर परिस्थिति में जिसका उच्चारण किया जा सके, हर बच्चे से लेकर के बूढ़ा आदमी जिसका प्रयोग कर सके, ऐसा महामंत्र के रूप में जिसको हम 26वां श्लोक कह करके पुकारते हैं। अभी हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब भक्तांबर के इस 26वें श्लोक का संपुट संपन्न करवाएंगे, उसके अंदर तहदील से आप सभी लोगों ने सम्मिलित होना है, बड़े ध्यान से बड़ी भावना से पढ़ना है, जिससे कि आज के दिन ही आप लोगों को ये याद हो जाए और यहाँ से घर जाते हुए आप लोग बड़े आराम से उच्चारण करते करते क्या कर सकें, जा सकें। ऐसी साधना, ऐसा ध्यान और ऐसे ध्यान के साथ आप लोगों ने आज के इस 26वें श्लोक का जो साधना है त्रिपुर, उसको जय संपन्न करना है। अब जय मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब उसको संपन्न करवा रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछा, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध, बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का, दुख जन्म मरण है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंत उपकारी प्रलोकना शासन के महाप्राण श्रम भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करती है। आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज प्रिय श्रोतागण, भक्तांबर की साधना हम सब लोग कर रहे हैं। आज 26वें पद की आराधना हो रही है। इससे पूर्व हम सब लोग संपुट की साधना की विधि को संपन्न करेंगे। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभ देव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी एवं गुरुदेव वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सभी भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। ये अनुष्ठान सुख शांति आनंद पूर्वक परिपूर्ण हो इसी भावना के साथ छिपोम स्वाहा, छिपोम स्वाहा, छिपोम स्वाहा, छिपोम छिपोम स्वाहा, छिपोम स्वाहा, छिपोम स्वाहा, छिपोम स्वाहा, छिपोम। श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः,
श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीर, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तांबर प्रणतमौलिमणि प्रभाणामोद्योतकं दलितपाप सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनाना तोभ्यां नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यां नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यां नमः श्रीजगतः पर तोभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय यस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूत बोधिपटुभिः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं तोभ्यं नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो बोध्या विनापि विबुधाचितपादपीठ स्तोतुं समुदतमतिर्विगतत्रपोहं बालं बिम्बबिम्बमन्ये कैचति जनः सहसा ग्रहीतुं तोभ्यं नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामल तोभ्यं नमः श्रीजगतः परं तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय वक्तुं गुणान् गुणसमुन्द्र कस्ते शमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो धतनक्रचक्रं को वातरीतुमलम् तोभ्यं नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रेतात्मवीरमविचारे मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशोपरि तोभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामल तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्को किला किल मधो तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतो तोभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय
तोभ्यं नमः चिपितलां मलभूषणाय तोभ्यं नमः जगतः परं तोभ्यं नमो जिनभवोदविशोषणाय त्वस्तस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं चणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनी शौर्यासुभिन्नमिव सर्वरमन्धकारं तोभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामल तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय मत्वेतिनाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिशति शतान्नलिनी दलेशो मोक्ता फलादुतिमुपैति ननोदबिन्दो तोभ्यं नमः श्री तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः क्षितितला परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं त्वसं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण पद्माकरेषु जलदानि विकासभाञ्जि तोभ्यं नमः श्रीजग तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो नादद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुविभवन्तमविष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति तोभ्यं दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतो समुपयाति प्रीत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो चारं जलं जलनिधे रसिकं तु ईक्षे तोभ्यं नमः श्रीभुवनार्ति तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषण तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं हे शान्तरागरुचिभिः परमाणुविश्वं निर्मापिता श्रीभुवनैः कललाम तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यं यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति तोभ्यं नमः श्री शुक्रं क्वते सुरनरो रहनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्कृतयोप बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलासकल्पं तोभ्यं नमः तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदलि
संपूर्णमंडल शशांक कलाकलाप सोम्रागुणा त्रिभुवनम ये संसिता त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कास्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टं तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनामे नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पना किमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् तोभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामल तोभ्यं नमस्ति जगतः परमेश्वराय मिदं प्रकटे गम्यो न जातु मरुतं चलिता गोपरसमसिनाथ जगत् प्रकाश तोभ्यं नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव शौर्याति साहि महिमासि मुनीन्द्रलोके तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति तोभ्यं नमस्ति जगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिन बहो नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनशन देवराजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगतः तोभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो किं सर्वरीषु शशिनाहि विवस्वता वा योऽस्मन्मुखेन्दु निष्पन्नशालिवनशालिनिजीवलोके तारे कि जय जलधरे जलभार नम्रे तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्ति जगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तेजस्पुणं मणिसुयाति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि तोभ्यं नमास्ति तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्ति मन्ये वरं हरिहरादयैव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं किं वीक्षितेन भवता भुवि न नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान् तोभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्ति तोभ्यं नमो चिन्भवो दधिशोषणाय स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति नान्ये सुतं तदुपमं जननी प्रसूता
सर्वा दिशो दधति भानि तोभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो त्वामामनन्ति मुनया परमं बुमांसामादित्यवर्णममलम् त्वामेव सम्यग् उपलभ्य जयन्ति मृतों नान्य शिवा शिवपदस्य तोभ्यं नमः श्रीभुवनातिहराय तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो त्वामाम तमसङ्कमाद्यां ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता तोभ्यं नमो क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधाचितबुद्धिबुधा तन्शङ्करोऽसि भुवनात्रयशङ्करत्वा दातासि धीरशिवमार्ग व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तोभ्यं नमः तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वर तोभ्यं नमो जिनभवो तोभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामल तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो तोभ्यं नमः श्रीजगतः तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो भोगेस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषे तन्सञ्चितो निरवकाशतमयं दोषैरपात विविधाश्रय जातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदा तोभ्यं नमः श्रीजगत् तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो दधि ओचैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं ब्रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ति तोभ्यं नमः श्रीजगन्नार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामल तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे विव्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियदुलसदं तुङ्गोदयादृशिरसि वसहस्ररश्मे तोभ्यं नमः श्रीजगत् तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः चित्यतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो कुन्दावदात चलचामलचारु सोमं देवराजते तव वपु
उद्देश्य शंख शुचि निर्झर वारिधार मोक्ष स्थित सुर गिरेव शांत कोभम तोभ्यम नमस्त्रिहराय नाथ तोभ्यम नमाचितलामलभूषणाय तोभ्यम नमस्त्रि जगता परमेश्वराय तोभ्यम नमो जिन ममो उच्चस्थित स्थगित भानुकर प्रताप मुक्ता फला प्रकर जाल विविध प्रख्यात्मयात्री जगता परमेश्वराय तोभ्यम नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ तोभ्यम नमस्तितला तोभ्यम नमस्त्रि जगता परमेश्वराय तोभ्यम नमो जिन भवो गंभीरतारवपूरित दिग्विभाग स्त्रैलोक्य लोक शुभ संगम सांधर्मराज जय घोषण घोषकसन के दुम दुमिर्ध्वनति तेयस सा प्रमादे तोभ्यम नमः क्षितिजलामलभूषणाय तोभ्यम नमः त्रिजगता परमेश्वराय तोभ्यम नमो जिन भवो दधि मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुम दंदोद बिंदु सुवम समरुत प्रपाता दिव्या तोभ्यम नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ तोभ्यम नमो तोभ्यम नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यम सुभ्रात्प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकेत्रयं दुतिमतम् प्रद्युद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या तोभ्यम नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ तोभ्यम नमो तोभ्यम नमः श्रीजगता परमेश्वराय तोभ्यम स्वर्ग अपवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा साधर्म तत्व कथनैक दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य तोभ्यम नमः श्रीभुवनातिहराय तोभ्यम नमः क्षितितलामल उन्हींद्र हे मनव पंकज पुंज कांति पाल्योल्लसन्न कमयो पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा तोभ्यं नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं तोभ्यं नमः श्रीजगता तोभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस यादृक् प्रवादिन कृता प्रहत अंधकार तादृकुतो गणगणस्य विकास तोभ्यं नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमो तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो श्रोतन्मदा विलविलोलकपोलमूला मत्यभ्रमद्भ्रमरन ऐरावता भविवमो
तोभ्यं नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः शिचितलामनोहराय तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो भिन्ने भकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताता मौक्ताफलाप्रकरभूषित बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रम् तोभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितला तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो धतवह्निकल्पं दावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीर्तुमिव सन्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तनजलं समयास्तशेषम् तोभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितला तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो रक्ते क्षणं समदको किल कण्ठनीलं क्रोधोन्नतं फणिदमो आक्रामति क्रमयुगेन निराश्य सङ्ख्यास्त्वन्नाम नागदमनि तोभ्यं नमः श्रीभुवनार्ति बलगातुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनां उद्युद्दिवाकरमयोखशिखापवितं तद्कीर्तनातमयुवासुविधामुपैति तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामल तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतारतरण योद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा तत्पादपङ्कज तोभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमो तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो अम्भो निदोषवितभीषणनक्रचक्रं पाठीन पीठभयदुल्लणवानवाग्नो रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्र रासं विहाय भवतः स्मरणां भजन्ति तोभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचं दशामुपगतं शुचिजीवितासा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिघ्यदेहामर्त्या तोभ्यं नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामल तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिन आपादकण्ठमरुशृङ्खलविष्ट गाढं बृहेलितकोटिनिगृष्ट त्वन्नाम मत्रमनुसं मनुजय सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति तोभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः
तोभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तोभ्यं मत्यदीपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधिमो करवंदनोतम तशासुनाशुमुपयाति तोभ्यं नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितला तोभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो स्तोत्रं सृजन्त वजिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं पापं रुचिरवर्णमिचित्रपुष्पं धत्ते जनो यकण्ठगतामजर्षं तं मानतोङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी सम्मानतुङ्गमवसा तोभ्यं नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो तामरा प्रणतमौनिमणि प्रमाण मोद्योतकं ललितपापतमो सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगान्धा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्त स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथम इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापचायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणम तांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्त अर्थपद भाव अलंकारण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम वक्तम अनार्थमाय स्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिना सद्भक्त्या भगवत सद्भावेन भगवत चरण सरोजय परिपूर्ण भावेन समर्पया हे प्रभु आपके श्री चरणों में भक्तांबर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य मानतुंग जी महाराज की देवाधिदेव श्री ऋषभ सादर शीश झुकाते हैं देवाधिदेव श्री सादर शीश जो श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदी दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की दुख त्यो सवर सिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया तन की त्यो सवर सिणी हरि सकल व्याधि दुखिया तन की अमृत सागर जग ओ दारक को
श्रद्धा सुमन चढ़ाते अमृत सागर जग, श्रद्धा सुमन चढ़ाते देवाधिदेव श्रीषम, सादर शीश झुका श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज हम सब लोगों ने 36वें श्लोक की आराधना की। भक्त का भगवान के प्रति जो बहुमान, परमात्मा को बारंबार नमस्कार करके उस परमात्मा पद की ओर अपनी परिणति को झुकाया है, तो हम सबसे ज़्यादा जिसका जाप करते हैं, सबसे ज़्यादा जिसका उपयोग किया जाता है, ऐसे ही पद की आज हम लोगों ने साधना की। तो आचार्य मानतुन अपने आराध्य के प्रति अपने श्रद्धा के भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हूँ तुमको मेरा नमस्कार, जग के उज्जल अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार, तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाओ बलिहार, भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार, भवसागर के शोषण करता तुमको। ऐसे आचार्य मानतुंग ने सर्वज्ञ परमात्मा का स्तवन करते हुए अपनी भक्ति का गुंजायमान कर रहे हैं, और जब भक्ति करते करते भक्तजन भववंदन को तोड़कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त करने की प्रार्थना करता है, तो इससे भक्तांबर स्तोत्र में ठीक है, हम लोग सांसारिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, कामना करते हैं, उसके साथ साथ में अध्यात्म का यह आध्यात्म के उस वैभव को प्राप्त करने के लिए आचार्य मानतुंग पूर्ण रूप से भक्ति से भरकर उस आराध्य देव को इस आराध्य देव की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप तो भव के बंधन को तोड़ डालने वाले हैं। जो बाहर की जो बेड़ियां हैं, बाहर की बेड़ियां तो टूटी, निश्चित रूप में टूटी हैं, तो उसके साथ साथ में जो आपकी भक्ति करता है, आपके भक्ति में समर्पित हो जाता है, ऐसे भक्त के आप भव जल को या भव सागर को शोषण करने वाले, कहने का मतलब संसार रूपी इस सागर का शोषण करने में आप सक्षम हैं प्रभु, ऐसा कहकर इस स्तोत्र में बार बार उस भगवान को क्या किया है, नमन किया है। और नमन करके उन्होंने कहा कि तीनों लोकों की जो असाता है, उस असाता को मिटाने में आपकी भक्ति सक्षम है। और आप सब लोगों को पता ही है, जब कोई तीर्थंकर आत्मा इस संसार में जन्म लेती हैं, तो दो घड़ी के लिए संपूर्ण संसार, संपूर्ण लोक भी क्या हो जाता है, मतलब सुख
आता है, अतः दुख समाप्त होता है और सुख क्या करते हैं, प्रत्येक प्राणी को सुख का अनुभव होता है। तो बंधु जन्म से ही जो आत्मा संसार के प्रत्येक प्राणियों को सुख देने की क्या करती हैं बंधु, प्रेरणा देती हैं और सुख देती हैं, ऐसी जो भव्य आत्माएं हैं, ऐसी भव्य आत्माओं का स्तवन और ऐसी भव्य आत्माओं की स्तुति यहाँ पर हम सब लोग कर रहे हैं। तो आज भी हम लोगों ने बंधु जिस पद की आराधना की है, ये पद सबसे अधिक साधु साध्वी बंधु बंधन और नमन में उपयोग में लेके आकर के प्रवचन से पूर्व में बोला जाने वाला ये सुंदर सा पद है। और इस आज के पद के जो लाभार्थी रहे हैं, लाभार्थी हैं, तो हमारे श्री गोकुल चंद जी, सुरेश कुमार जी जैन, सुमन जैन और अक्षय जैन, तो इस परिवार ने आज का ये भक्तांबर संपुट का लाभ लिया है। तो परिवार आगे आ जाएं और आगे आकर के आराध्य वाचनाचार्य भगवान के हाथों से आज के इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। नाम प्रभु का निहाल कर दे फूल शांति के खिले, मानव जीवन महक उठे तब सुमति अरु सत कर्म मिले, बीत रागता ध्येय ध्यान का सद जाए नर जीवन में, अने कांत अहिंसा फलित हो सर्व जगत के प्रांगण में, अनेकांत अहिंसा फलित हो सर्व जगत के प्रांगण में। जैन चरण करणानुयोग की आराधना करने वाले लोग ऐसे महान ज्ञान ध्यान के साधक रहते हैं, ऐसी तपस्याओं से गुजर करके अपने आप को पुण्यानुबंधी पुण्य के प्रतिरूप बनाते हैं, उनके जीवन में बहुत सी शक्तियाँ स्वाभाविक रूप से पैदा होती हैं, उन्हें शास्त्रकार कहते हैं लब्धियां। ऐसे सहज रूप से हम जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो हमारे को खुद को भी पता नहीं लगता, लेकिन विशेष प्रकार की लब्धियां पैदा होती हैं, उनकी संख्या शास्त्रकारों ने 28 रखा है। उसमें एक लब्धि होती है संभिन्न स्रोतस लब्धि, एक इंद्रिय का काम दूसरे इंद्रिय से करना प्रारंभ करते हैं, बिना देखे ही देख सकते हैं, बिना शब्दों के ही सुन सकते हैं, ऐसी शक्तियाँ ऐसा बल साधना करने वाले लोगों को सहज रूप से प्राप्त होती हैं, इसी को कहते हैं सम्मिन्न स्रोतस लब्धि। तो ऐसी आत्माओं का सान्निध्य, ऐसी आत्माओं की आराधना साधना, ये इंसान को बड़ी पुण्यमानी से मिलती है। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों को मैं बतला दूं, इस नगरी में जिनकी अपरंपार कृपा रही है, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब,
वो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, हमेशा ढाई तीन बजे, ढाई बजे उठना और ठीक तीन बजे आसन पाटे के नीचे आसन लगा करके जाप और पाठ और ध्यान के अंदर बैठ जाते थे। ये उनका मैं साल भर का ये रूटीन से उनकी साधना चलती थी और सवेरे 9 बजे तक उनकी आराधना साधना चलती थी। और जैसे एक बार ऐसा हुआ, जैसे ढाई बजे, दो ढाई बजे वो उठे और क्योंकि 3 बजे उन्होंने पाठ में बैठ जाना ही होता था, जिस समय ढाई बजे के करीब करीब वो उठ करके जब निमट करके अंदर जाने लगे तो यहाँ पर चौकीदार घूमता हुआ जिस समय सामने आता, यहाँ पर बैठता था, उस चौकीदार को बुलाया, भाई चौकीदार जरा बात सुन। और वो चौकीदार जिस समय आया थाने के बरामदे में और कहा, गुरुदेव फरमाओ, उन्हें कहा जाओ बाबू साईदास जी को बुला करके लाओ। उस समय वो प्रधान थे, लंबे समय तक प्रधान के पद के ऊपर रहे, लंबे समय तक समाज की उन्होंने सेवा की और उसको भी पता नहीं लगा, जानकारी नहीं हुई और उसने तो गुरुदेव का आदेश हुआ यहाँ से फटाफट चला और गुरुदेव का समय हो चुका था, वो तो अपने साधना के अंदर बैठ गए। उधर जैसे जाकर के रात को 2:30-3 बजे के करीब अंधकार के वातावरण में, पहले तो इतना प्रकाश भी नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही छा जाता था, बिजली वगैरह ऐसी नहीं थी और गलियों के अंदर भी इतनी बिजलियां वगैरह लगती नहीं थी, एकदम अंधेरा। अब जिस समय जाकर के उसने गेट को खटखटाया, आवाज होने पर अंदर आवाज गई, अंदर उनके नींद खुली। अब नींद खुली तो सभी परिवार वालों की नींद खुली। अब जिस समय उन्होंने बाहर आकर के गेट में आकर के पूछा, भाई क्या बात है, तो चौकीदार खड़ा था, उन्होंने कहा बाबूजी गुरु महाराज ने आपको याद किया है। उन्होंने कहा कोई बात और कुछ कहा? नहीं, ऐसा और कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ कहा आपको याद किया है, बाबूजी को बुला करके लाओ। और वो फटाफट अंदर गए, उन्होंने कहा गुरु महाराज ने बुलाया है। और सब परिवार वाले उठ गए, पता नहीं क्या हुआ, रात को 3 बज रहे हैं, अब 3 बजने का टाइम है, इस समय इसी क्या बात हो गई, गुरुदेव ने ऐसे कैसे बुलाया। अब सबको बड़ी परेशानी हो गई, बीमारी हो गई, कोई तकलीफ हो गई, किसी संत को तकलीफ हो गई, कोई परेशानी हो गई, क्या हो गया। वो फटाफट उन्होंने कपड़ा बदला, उन्होंने कहा मैं फटाफट जा करके आता हूँ। और घर में तो किसको नींद आनी थी, सारे बैठे हुए थे। बाबू साईदास जी यहाँ पर आए और आकर के देखा तो गुरु महाराज अपने ध्यान में आराम से बैठे हैं, थोड़ा खांसी भी की, लेकिन गुरुदेव ध्यान में बैठने के बाद तो उठते नहीं थे, वो तो आराम से ध्यान के अंदर मस्त थे। थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, गुरु महाराज ने बुलाया, चौकीदार को भेजा और ये तो आराम से बैठे हैं, इनका तो ध्यान साधना जैसे रोज की चलती है वैसे चल रही है। इधर उधर देखा, सब बिल्कुल व्यवस्थित है। फिर जो है उन्होंने संतों को देखा, जो भी हम यहाँ पर संत थे, गुरुजी थे, हम लोग थे, छोटे संत थे, सबके कमरे में गए, सारा देखा, सब संत सो रहे हैं, सब आराम कर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ है ऐसा कुछ लगता नहीं है, ऊपर नीचे कुछ है क्या। ऊपर बरामदे के अंदर गए, ऊपर छत के ऊपर गए, सारा थानक देखा, मैं कहीं कोई किसी प्रकार की बात। और फिर गुरु महाराज के पास जाकर के बैठे और जाकर के बैठ करके सोचा मैं पूछ लूं, लेकिन वो तो ध्यान में थे। अब जिस समय देखा, 15 मिनट का समय हुआ, 15 मिनट तक सारा देखने के बाद, चेक करने के बाद कुछ भी उनको लगा नहीं, तो उनने सोचा कुछ है तो है नहीं, चलो चलते हैं घर में। अब जिस समय यहाँ से घर चले गए, घर वाले तो एक एक पल का इंतजार कर रहे थे, पता नहीं क्या सूचना आएगी, क्या समाचार लेकर के आएंगे, गुरु महाराज को क्या हुआ, छोटे संतों को कुछ हुआ है क्या, कोई बात ऐसी बन गई है क्या। वहाँ तो नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। जिस समय वो पहुँचे, वो सब लोगों ने इकट्ठे होकर के पूछा क्या बात है, उन्हें कहा कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक है। अरे क्या बात करते हो, सब ठीक है तो गुरु महाराज ने क्यों बुलाया, आप गए, उन्होंने चौकीदार भेजा, बुलवाया, भेजा, कुछ भी नहीं है तो क्या बात है। और जैसे कि वहां तो कुछ भी, मतलब सब देख ही आया, छोटे संत भी ठीक है और सुमति प्रकाश जी महाराज साहब वो भी ठीक है, गुरु महाराज भी ठीक है, बड़े महाराज भी ठीक है, कोई किसी प्रकार का कोई हलचल किसी तरह का नहीं है, इसलिए मैं घूम के आया, सब कुछ ठीक है।
अब उन लोगों को ये नहीं समझ में आया फिर बुलाने की क्या जरूरत थी। अब इतने देर जगने के बाद एकदम नींद थोड़ी आती है, और उन्होंने सोचा इधर उधर घूमना शुरू किया। अब अंदर की तरफ जो बैठक था उसके अंदर जिस समय गए, अंदर के कमरे के अंदर गए, तो देखा वहां पर सारा अस्त व्यस्त माल पड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा ये क्या है, बोरियों के अंदर माल भरा हुआ है, दरवाजे टूटे हुए हैं और वो जो है ताले वगैरह टूटे हुए हैं। उन्होंने देखा ये सब क्या हुआ, जिस समय प्रकाश करके देखा तो ऊपर की रोशनदानियां वो काटी हुई है, और रोशनदानी से कोई चोर उतरे हैं और उन्होंने माल ले जाने के लिए सारा का सारा वहां पर इकट्ठा किया है। और उस समय जैसे गेट के अंदर खलबली हुई, गेट बजा, आवाज आई, चौकीदार बोला, अंदर जो सूचना हो गई, अंदर सब लोग उठ गए, तो वो जो ले जाने की तैयारी कर रहे थे सारा माल इकट्ठा करके, वो सारा वहीं छोड़ करके किसी तरह से जान बचा करके भाग गए। उन्होंने हिसाब किताब लगाया, नुकसान तो बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से एक पैसे का भी कोई नुकसान, वो जितना जो चोरी होना था चोरी करके ले जाना था वो सारा का सारा वहीं पर सामान। उन्होंने सोचा अरे ये सारी चीजों का पता कैसे लगा, कैसे तोड़ा, कैसे इकट्ठा किया, ये तो सारा ही बर्बाद करने की बात थी। लेकिन बंधुओं, लेकिन सब कुछ सुरक्षित हुआ तब उन्होंने सोचा भाई गुरु महाराज को तो क्या होना है, वो हमारे बचाव के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने जो है ऐसा ध्यान लगाया, वो यहाँ पर चौकीदार को भेजा, अगर ये चौकीदार ना आता, ये आवाज़ वगैरह ना करता, उस समय तो सारे सोए हुए थे, ये सारा सामान यहाँ से निकल जाना था। सब संभालने के बाद फिर सुबरे सुबरे सारे परिवारजन आए, लाख लाख धन्यवाद दिया, गुरुदेव हमने बड़ा बचाव किया, बड़ा बचाव कर दिया, जरा सा भी अपना नुकसान नहीं हुआ, ये आपकी बड़ी कृपा रही। तो बंधु वो कोई देखने के लिए तो नहीं गए थे, उन्होंने कोई सुना तो नहीं था, उनको कोई आवाज तो नहीं आई थी, उनके ध्यान में आ गया, उनको बुलाया और इस तरह से सुरक्षा क्या करी, प्रदान करी। ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी जो समझ है, ऐसी जो जानकारी है, ऐसा जो जीवन है, इस तरह की जो बातें होती हैं, इस प्रकार की ताकतों को लब्धियां कह करके पुकारा जाता है। कभी कभी इंसान के मन में एकदम ऐसे भाव आ जाते हैं, ऐसी कुछ आवाज आ जाती है, उससे वो अपना भी भला करते हैं, किसी दूसरे का भी क्या कर लेते हैं। तो बंधुओं, ये महापुरुष जो इस साधना को करके चलते हैं, तपाचार से होकर के निकलते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार से होकर के निकलते हैं, तो उनके जीवन में स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की शक्तियां पैदा हो जाती हैं। और जो समाज सेवा करने वाले श्रावक श्राविकाएं हैं, समाज का हित करने वाले श्रावक श्राविकाएं हैं, जीव दया करने वाले श्रावक श्राविकाएं हैं, निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाले श्रावक श्राविकाएं हैं, उनके जीवन के अंदर भी तरह तरह की लब्धियां पैदा हो जाती हैं। और हमारे समाज में भी ऐसे अच्छे से अच्छे लोग हैं। आज हमारी धर्म सभा में बड़े विशिष्ट हमारे मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, और सबसे पहले तो श्री गो सेवक श्री झुमर लाल जी मोथा यहाँ पर उपस्थित हैं परिवार के साथ। आप थोड़ा खड़े हो जाइए, ये झुमर लाल जी मोथा हैं और ये ठेठ धुलिया देवर से यहाँ पर परिवार सहित पधारे हैं। और आप श्री प्रबुद्ध मुनि जी महाराज साहब के पिताजी हैं, उन्होंने तहदील से अपने बेटे को इस परिवार में समर्पित किया, गुरुदेव के शिष्यत्व के रूप में समर्पित किया, हमेशा संभालते रहे। और इस तरह से उन्होंने अपने परिवार से एक बेटे को धर्म ध्यान के लिए देकर के समाज की अपरंपार सेवा की है। श्री झुमर लाल जी और उनकी धर्मपत्नी मोहना देवी मुथा ये देवर से यहाँ पर पधारे हैं, और वो गौशाला, पूरी गौशाला, छोटा सा गांव है, वहां पर पूरी गौशाला क्या करते हैं, चलाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां पर बरादरियां मिलकर के गौशालाएं चलाते हैं, इससे जीव दया का बहुत बड़ा काम जीवन के अंदर होता है। आप लोग उनसे पूछेंगे, वो अकेले आदमी, वो थोड़े से वहां पर घर, कोई संपन्नता इतनी नहीं, लेकिन गौशाला मस्त वहां पर चल रही है, तो गौशाला कैसे उन्होंने शुरू किया, किस तरह से चलाया, उससे कैसे कैसे समाधान मिलते हैं, कैसे कैसी परेशानियां दूर हो जाती हैं, ये सब हम झुमर लाल जी मुथा के उनके अनुभव सुनकर के जो है आप लोग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे मेहमान हमारे बीच में श्री लालचंद जी कोठारी और उनके सुपुत्र श्री निर्मल कुमार जी कोठारी परिवार
ये औरंगाबाद से यहाँ पर पधारे हुए हैं, ये आमजे खड़े हो जाएं और आपके पिताजी लालचंद जी कोठारी, ये जो है दोनों बेटा पिताजी और उनके बेटे हैं, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर आई हुई हैं, तो उनको सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएँ देते हैं। बंधु औरंगाबाद, औरंगाबाद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, औरंगाबाद वासियों ने खूब खूब सेवा की है, और औरंगाबाद ये मराठवाड़ा के अंदर आता है, मराठवाड़ा के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं उसमें सबसे बड़ा थानक अगर कोई है तो है औरंगाबाद का थानक, भव्य थानक है। जैसे आप लोगों का जैन नगर का थानक है 1000 गज के अंदर ये जो थानक है, ऐसे ही औरंगाबाद का जो थानक भवन है वो भी 2-2500 गज के अंदर वो क्या हुआ बना हुआ है, बड़ा भारी वहाँ पर हॉल है, हॉल के साथ बाहर पार्किंग की जगह भी अंदर के अंदर है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच में है। मराठवाड़े के अंदर औरंगाबाद का स्थानक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण थानक है, हर साल वहाँ पर चतुर्मास होते हैं, हर साल खूब धर्म ध्यान होता है। उस हॉल के अंदर नाम रखना था तो जे हमारे निर्मल कुमार जी जो हमारे लालचंद जी कोठारी उनके सुपुत्र हैं, और निर्मल कुमार जी गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं, और आप जय हमारे प्रबुद्ध मुनि जी महाराज साहब के बहनों उनके जीजा जी हैं, उनकी बहन उनके पतिदेव हैं, तो इस प्रकार ये परिवार हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है। तो आज की भावना थी भाई गुरुदेव का औरंगाबाद के ऊपर बहुत उपकार है, इतना बड़ा यहाँ पर हॉल बना हुआ है तो इसमें गुरु जी का नाम रहना चाहिए, अब वो गुरु जी का नाम वहाँ पर लगे, और उसके लिए तो बड़े मुश्किल का काम था। पहले ये था भाई 11 लाख के अंदर नाम आ जाएगा, फिर और लोग भी खड़े हो गए भाई 11 लाख में होता है, इतने बड़े थानक के अंदर नाम लगता है तो हम भी कुछ न कुछ कोशिश करें। इनकी भावना बनी भाई गुरुदेव का उपकार है तो उनका नाम इस हॉल के अंदर लगना चाहिए। फिर जो 11 से 14 तक चले गए, 14 से 18 तक चले गए। बंधुओं किसी चीज़ को लेना कोई आसान काम नहीं होता, आपकी भावना थी, आपकी भक्ति थी, आपके मन के अंदर समर्पण था, गुरुदेव के प्रति आपकी आस्था थी, आपने 21 लाख रुपया देकर के उस थानक के अंदर गुरुदेव का नाम लगाया, उसका नाम है गुरु सुमति विशाल प्रवचन हाल। ये भव्य हाल वहाँ पर है, बढ़िया हाल बना हुआ है, हर साल चतुर्मास वहाँ पर होते हैं, बड़े से बड़े चतुर्मास होते हैं, उस हाल में गुरुदेव का आराध्य गुरुदेव का नाम लगा करके इस गुरु निहाल पर के निहाल परिवार के प्रति आपने अटूट श्रद्धा सद्भावना प्रस्तुत की है, और आराध्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी हमेशा हमेशा आप लोगों के परिवार के ऊपर रहता है, और हर साल बड़े से बड़ा संघ लेकर के भी आप लोग आते रहते हैं। तो आज यहाँ पर जो कोठारी परिवार आया हुआ है, विशेष रूप से लालचंद जी कोठारी परिवार, निर्मल कुमार जी कोठारी परिवार, इन सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और हमारे प्रबोध मुनि जी महाराज साहब की बहन शीला निर्मल कुमार जी कोठारी, वो भी विगत 5 वर्षों से एकांतर एकासने की तपस्या कर रही हैं, बाल बच्चों सहित आप यहाँ पर आए हुए हैं, ये हमारे परिवार के गणमान्य श्रावक हैं, और प्रमुख अतिथि के रूप में इनके लिए हम हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। आराध्य गुरुदेव आए, मंगल पाठ वगैरह दें, आशीर्वाद दें, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, इसलिए आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की तरफ से, पूरे गुरु निहाल परिवार की तरफ से, सभी संत मुनिराजों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। आपके जीवन में स्वस्थता बनी रहे, लंबी आयु बनी रहे, हमेशा सेवा में आगे रहें, दान पुनागी आदि करते रहें, जीव दया का जैसे काम देवर के अंदर चल रहा है ऐसा गौशाला का जीव दया का काम आगे से आगे बढ़ता रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक हमारी मंगल कामनाएं हैं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को हम यहाँ पर विराम देने जा रहे हैं। अगर किसी भी भाई बहन का एक आसना भी आसना आज हो तो आप लोग खड़े होकर के पचखान ले सकते हैं। आज के एक आसने भी आसने का पचखान हरियम बहुत सरे। आज के आयम्बिल का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का आज का आयम्बिल हो
अगर आज का किसी का उपवास हो, आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का उपवास, अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं, और आज हमारे बीच में बैरागन मयूरी चोरड़िया ये भी यहाँ पर आई हुई हैं। ये बैरागन अवस्था के अंदर हैं। महासती विभक्ति श्री जी महाराज साहब गुरु निहाल परिवार की जो विशिष्ट साध्वी जी हैं, और लासल गांव में उनका चातुर्मास चल रहा है, उनके सान्निध्य में बैठ करके अपने दीक्षा की आप तैयारी कर रही हैं, और आप बैरागन अवस्था के अंदर अभी यहाँ पर हैं। वो जो है मयूरी चोरड़िया, कुमारी मयूरी चोरड़िया, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सर्वामनाएं। वो भी जल्दी से जल्दी ये जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करके आगे बढ़ें, ऐसा आशीर्वाद और मंगल कामनाएं हैं।
श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनातो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साऊलुत्तम केवली पुनातो धम्मोलुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि केवली पुनातम धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में औरन शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मां